कल हमने आपको फॉर्मूले बता दिया था कि कहां पर क्या होगा, कैसे होगा, इक्वेशन हमने लिखा था। चलो उन फॉर्मूलों को एक बार फिर से लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा था, पहला इक्वेशन था एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, v इज इक्वल टू u प्लस a के लिए लिख दिया था, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी। यार ओमेगा इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन इन t इज टाइम। फिर दूसरा इक्वेशन 30 थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर या ओमेगा नॉट t, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये बताया था। फिर नेक्स्ट हमने बताया था थीटा माइनस t स्क्वायर 2 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2 इनटू 2n माइनस 1, यानी n सेकंड में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इतनी सारी चीजें आपको बता दिया था। उसके बाद क्या था हमारे पास, उसके बाद हमने बताया था अगर वेरिएबल रहेगा, अगर ये जो इक्वेशंस थे हमारे किसके लिए थे, जब अल्फा क्या होगा कांस्टेंट होगा, और जब अल्फा वेरिएबल रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, यानी अल्फा क्या होगा चेंजेस, हमेशा क्या होगा परिवर्तित होता रहेगा, वेरी करता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो उस कंडीशन में हमने क्या लिखा था, उस समय हम जो इक्वेशन यूज करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी इक्वेशन यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, और या अगर ओमेगा डी में हमें थीटा चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इनटू डी टी और प्लस ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इनटू डी टी। इतनी सारी चीजें हम आप लोग को बता चुके थे। अब हमारे ये क्या है, जब अल्फा वेरिएबल रहेगा उस कंडीशन में देखो एक बॉक्स बना कर बताते हैं। हमारे सबसे पहले हमने कौन सा टर्म पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन, ठीक है। कोणीय विस्थापन के बाद हम कहां पर पहुंचे थे, इस पे चेंज को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हम कहां पर पहुंचे थे, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचे थे एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन और एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन और एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, और हमें एंगुलर वेलोसिटी से एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ जाना है, तो यहां पर भी क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन जब हमें उल्टा एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है और हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन गिवन है और हमें वेलोसिटी चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। उसी तरह से वेलोसिटी की मैंने डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम इससे आगे देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगा इंग्लिश में हिंदी में किसी भी तरह से आप लोग बोल सकते हैं। मैंने सारे टर्म आपको बता चुके हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, और आप फिर से अगर पूछने की जरूरत पड़े फिर से पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। वैसे मैं हिंदी यूज करके जा रहा हूँ, साथ में पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि बॉडी रोटेट, सर कोई जो बॉडी है कोई बॉडी क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, सर दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या दी मैंने 40q plus 2p रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्या 40q plus 2p रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी के t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो ज्ञात करना है आपको कोणीय चाल, फाइंड एंगुलर स्पीड एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी एट टी इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
यू हैव इसको नोट डाउन कीजिए, दो मिनट इसके नोट डाउन को, दो मिनट इसको इसके नोट डाउन को, दो से ढाई मिनट इसको सॉल्व करने का, ठीक है, 4.5 मिनट में कंप्लीट कीजिए इसको। सर कर लिए? यस सर। कितना आंसर आया? क्या सर? आंसर कितना आया? चलिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखिए आप अल्फा क्या है, 4t³। देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है अल्फा क्या, 4t³ + 2t। अगर 4t³ + 2t है तो ये क्या है, वेरिएबल एक्सीलरेशन है, यानी चेंज कर रहा है टाइम के साथ में। हमें क्या चाहिए, एंगुलर स्पीड चाहिए। तो हमें देखो यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन दिया, वहां से एंगुलर स्पीड की तरफ आया काम है, क्योंकि क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। वैसे हम लिख भी सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय टी। तो अल्फा गिवन है, यहाँ पर लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इनटू टी। यहाँ पर लिख देंगे डी ओमेगा इज इक्वल टू, अभी नोट नहीं करना है, समझना है, 4t³ + 2t इनटू डी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, देखते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट t^4 × t^4 (n+1)/(n+1) + 2t क्या हो गया, 2t² / 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, और ये कहां से कहां तक, 0 से t तक। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, वैल्यू पुट करेंगे t^4 + t² और माइनस क्या हो जाएगा, 0, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, t^4 + t². नाउ हमें क्या बोला है, t = 2 सेकंड तक क्या होगा, t की वैल्यू जब 2 सेकंड होगी, t की वैल्यू 2 सेकंड होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 2^4 + 2² 2^4 क्या हो गया, 2^4 = 16
प्लस टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या हो गया, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, तो यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकंड। चलिए नोट डाउन कीजिए, अभी आवाज आ रही है? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बॉडी कोई सॉलिड बॉडी है जो घूम रही है, ठीक है, इसमें इसके ऊपर t इक्वल टू 0 पर इसकी और कैलेंडर पर इसकी ओमेगा नॉट है, और इसमें जो फोर्स लग रहा है अपोजिंग फोर्स या अपोजिंग टॉर्क, जिसकी वजह से रिटार्डेशन जो है अल्फा इक्वल टू k रूट ओमेगा है, ठीक है, अल्फा इक्वल टू k रूट ओमेगा है, तो आपको फाइंड करना है फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच बॉडी कम टू रेस्ट, यानी बॉडी जो है किस कंडीशन में आ जाए, रेस्ट कंडीशन में आ जाए, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, बॉडी कम टू रेस्ट, दो तीन मिनट लगाइए, दिमाग लगाइए, फिर देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इंटीग्रेशन का जरूरत है, देखो क्या किया आपको, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी एक तरह से ओमेगा चाहिए t इक्वल टू t पर कब रेस्ट में हो, तो ओमेगा का रिलेशन है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन करने जाएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ k रूट ओमेगा, ठीक है, क्योंकि भाई माइनस क्यों भी है, क्योंकि अल्फा क्या है, रिटार्डेशन है, वेलोसिटी कम करना है, अल्फा रिटार्डेशन इसलिए हमने माइनस कर दिया,
तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा, ठीक है। तो अब देखो हमें इंटीग्रेट करना है तो ओमेगा एक साइड में रखना पड़ेगा और टी को एक साइड में लाना पड़ेगा, तो यहां पर लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन रूट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इनटू टी के, इंटीग्रेट करेंगे टी इज इक्वल टू जी पर ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा पावर n plus 1 upon n plus 1 इंटीग्रेशन अगर a से b करना है तो लिमिट a से b क्या कर दें पुट कर दें, तो यहाँ पर क्या हो गया ओमेगा है और ये ऊपर जाएगा तो यह रूट अंडर 1 by रूट अंडर हाफ, ये रूट अंडर ओमेगा ऊपर जाएगा तो ओमेगा 2 तो पर माइनस 1 by 2 होगा, तो माइनस 1 by 2 वहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 1 by 2 plus 1 upon माइनस 1 by 2 कहा से कहा तक ओमेगा नॉट टू जीरो और यहाँ माइनस क्या आ गया डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है जीरो टू डी, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा वन माइनस वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू क्या हो जाएगा वन बाई टू होगा, वन बाई टू लिखेंगे टू ऊपर चला जाएगा टू और ओमेगा को क्या लिखेंगे रूट अंडर टू, तो वन माइनस वन बाई टू हाफ आएगा ये क्या हो गया रूट अंडर ओमेगा, ओमेगा नॉट से जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू लिमिट पुट करेंगे तो हो गया जीरो माइनस रूट अंडर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू, जीरो खत्म है, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर लिख देते हैं तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया टू रूट अंडर ओमेगा नॉट बाय टू रूट अंडर ओमेगा नॉट बाय, चलिए नोट कीजिए। अब v इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट्स एक्सिस कॉमा इनिशियली इट वाज एक्सेलरेटेड इन फर्स्ट 2 seconds it rotates through angle theta 1. In first 2 seconds, it rotates through angle theta 1. Full stop. In next 2 seconds, it rotates through angle theta 2. It rotates through angle theta 2. Full stop. Find the ratio of theta 2 upon theta 1. Find the ratio of theta 2 upon theta 1. Find the ratio of theta 2 upon theta 1. चलिए समझा देता हूँ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये व्हील है, एक व्हील है, वो इनिशियली किसमें है रेस्ट में है, एक टी इज इक्वल टू जीरो पर वो रेस्ट में है, उसके बाद हमने इसे रोटेट करना स्टार्ट किया कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, ठीक है।
फर्स्ट 2 सेकंड में, सपोज दैट फर्स्ट 2 सेकंड में ये वो एक पॉइंट मान लो ये थीटा एंगल रोटेट कर लिया, फर्स्ट 2 सेकंड में थीटा पर रोटेट किया, उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड में, नेक्स्ट 2 सेकंड में वो कितना रोटेट किया, थीटा 2। ठीक है, फर्स्ट 2 सेकंड में कितना हो गया, यहाँ t = 0 मान लो पार्टिकल यहाँ स्टार्ट किया ये t = 2 यहाँ, और यही t = 4 पर ये रोटेट करते हुए यहाँ पहुंच गया। तो आपको फाइंड करना है थीटा 1 अपॉन थीटा, अच्छा थीटा 2 अपॉन थीटा 1 फाइंड करना है। चलिए लिटिल बिट दिमाग लगेगा, ट्राई कीजिए। अल्फा का एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो थीटा वन इक्वल टू अल्फा बाय 2 इनटू फर्स्ट 2 सेकंड का बात किया तो 2 स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 अल्फा, इक्वेशन 1। फिर बाद में क्या बोल रहे, यहां से यहां तक यानी t = 4 सेकंड, t = 4 सेकंड में थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी t = 4 सेकंड में निकालेंगे तो वही सब अल्फा 2 इनटू टी 4 का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, 8 अल्फा बचेगा इक्वेशन 2। तो थीटा 1 पे यहां से थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अल्फा माइनस थीटा 1, थीटा 1 का इक्वल टू अल्फा, तो क्या हो जाएगा 6 अल्फा। ठीक है, 6 अल्फा हो गया, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, थीटा 2 अपॉन थीटा 1, तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 लिख दो, 6 अल्फा अपॉन 2 अल्फा, तो कितना आ जाएगा 3। सिंपल है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। The length of seconds and in what यानी घड़ी में जो सेकंड पार्टी की जो लंबाई है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। The length of seconds and in what is 1 सेंटीमीटर, is 1 सेंटीमीटर। Full stop. Find the magnitude of change in velocity. Find the magnitude of change in velocity of its t, यानी कि आगे का जो point रहता है वो t i t of its t in 15 seconds. Tip in 15 seconds. Full stop. Also find the magnitude of average acceleration. Also find the magnitude of average acceleration during this interval. During this interval, यानी आपको बोला जा रहा है कि जो सेकंड की हेड जो है, सेकंड की जो स्विंग है उसकी लंबाई कितनी गिवन है आपके पास, 1 सेंटीमीटर है, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है पहले 15 सेकंड का, ये 12 पर रहेगा, 12 से लेकर के 3 पर आ जाएगा, उतने देर का चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि इसके साथ इन्हीं का चेंज इन मशीन, इन्हीं का आपको एक्सेलरेशन भी फाइंड कीजिए कि एक्सेलरेशन क्या होगा। चलिए आपके पास 3 to 4 मिनट है, सॉल्व कीजिए।